नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। सरकार महिलाओं को सुरक्षा को लेकर नए नए नियम और कानून बना रही है। नहीं नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नारी सुरक्षा सप्ताह का आयोजन भी किया ताकि देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। ताज़ा मामला अम्बेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ मदरसे में कार्यरत दो शिक्षिकाओं के साथ पहले तो छेड़खानी हुई और फिर विरोध करने पर शिक्षिका के साथ जमकर मारपीट भी की गई। यह सब कारनामा स्कूल वैन चलाने वाले ड्राइवर ने किया। शिक्षिकाएं जिस स्कूल वैन पर बैठकर पढ़ाने जाती थी, उसी स्कूल वैन का ड्राइवर आए दिन शिक्षिकाओं के साथ छेड़खानी करता रहता, जिसका विरोध करना इन शिक्षिकाओं को भारी पड़ गया। आरोपी ड्राइवर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर शिक्षिकाओं के साथ जमकर मारपीट की और फिर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिक्षिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर शिक्षिका का इलाज चल रहा है और इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिर एक स्कूल का ड्राइवर, वो डेली हम लोग को अप डाउन कराता था लेके मैजिक से। फिर 2-3 महीने से मतलब उसके मैजिक में हम लोग जाते थे, लेकिन वो थोड़ा बदतमीजी करता था और छेड़छाड़ तो टच करता था, कमेंट किया करता था, उल्टे पलटे गाने चलाया करता था उसमें मैजिक में। फिर हम लोग उससे बोलते कि अंकल जी ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं, देखिए हम भी आपकी बेटी की समान है, ऐसा मत करिए आप लोग कुछ। तो कह रहे कि अगर ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारे पापा दिल्ली में रहते हैं, हम जानते हैं उनको अच्छी तरह, तुम्हारे भैया इलाहाबाद रहते हैं, उनको उठवा देंगे, मरवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर शिक्षिकाओं के साथ हुई छेड़खानी के मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने गोलमोल जवाब देते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की बात तो कह दी, लेकिन नारी सुरक्षा को लेकर ढिंढोरा भी पीटना नहीं भूले। सवाल यह है कि आखिर जब महिलाओं के प्रति पुलिस इतनी संवेदनशील है, तो फिर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर पा रही? ये प्रकरण जो आया है, निश्चित रूप से इसके तहत तक हम लोग जाएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगा। और इसके माध्यम से मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि नारी सुरक्षा सप्ताह की सार्थकता ही तभी है जब हमारी हिंदुस्तान की बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें और उनके खिलाफ जो कोई भी अपराध हो रहा है उसमें अपराधी के खिलाफ विधिवत कार्रवाई हो।